बातमी पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका जाहीर करण्यात आलेल्या आहेत, घोषित करण्यात आलेल्या आहेत. छत्तीसगड मध्ये 7 तारखेला, मिझोरम मध्ये 7 नोव्हेंबरला विधानसभा निवडणूक पार पडणार आहेत. छत्तीसगड मध्ये 7 आणि 17 नोव्हेंबरला विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. 23 नोव्हेंबरला राजस्थान मध्ये विधानसभेसाठी मतदान होणार आहे. आताची महत्वाची बातमी, 23 नोव्हेंबरला राजस्थान मध्ये विधानसभेसाठी मतदान होणार आहे. तेलंगण आणि मिझोरम मध्ये सुद्धा निवडणुका जाहीर करण्यात आलेल्या आहेत. आताची महत्वाची आपण बातमी पाहतोय, 23 नोव्हेंबरला राजस्थानमध्ये विधानसभेसाठी मतदान होणार आहे, तर 7 नोव्हेंबरला मिझोरममध्ये विधानसभा निवडणूक पार पडेल. राजस्थानमध्ये 23 नोव्हेंबरला विधानसभेसाठी मतदान होणार आहे. मध्य प्रदेशमध्ये 7 नोव्हेंबरला मतदान होणार आहे. तेलंगणा 30 नोव्हेंबर. वी आर फिनिशिंग, वी आर डुईंग काउंटिंग ऑन 3 डिसेंबर अँड फिनिशिंग द एंटायर इलेक्शन एक्सरसाइज ऑन 5 डिसेंबर 2023. Yeah, floor is open for questions. A gentleman in the first row. Yeah. Unko mic de dijiye. We'll come to you next. तर राजस्थानमध्ये 23 नोव्हेंबरला विधानसभेसाठी मतदान होणार आहे. मध्य प्रदेशमध्ये 7 नोव्हेंबरला विधानसभेसाठी मतदान होणार आहे. सवाल ये है कि खासतौर पे अगर छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के परिप्रेक्ष्य में है, छत्तीसगढ़ में दो चरणों में आप मतदान करा रहे हैं, नक्सल प्रभावित इलाका है कई. सरकार का दावा है कि नक्सलिज्म तो हमने खत्म कर दिया, लेकिन इस बार भी आप दो चरणों में मतदान करा रहे हैं. कितनी बड़ी चुनौती जो है नक्सल प्रभावित इलाकों में होगी आपको मतदान कराने के मद्देनजर, क्योंकि 7 राज्यों की सीमा छत्तीसगढ़ से जुड़ती है जैसा आपने कहा. इसके अलावा तेलंगाना के भीतर पिछले चुनाव में तमाम कैश और लिकर की बरामदगी हुई थी, इस बार कितनी चुनौती तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में आपको लेकर होने वाली है? Yeah, gentleman in the second row there. Yeah, mic is coming to you, just wait. Yeah. सर, मैं श्रीकांत भाटिया हूं, संवाद सिंधी न्यूज पेपर, हमारी नजर न्यूज चैनल है. सर, ये आचार संहिता के जो उल्लंघन होते हैं इलेक्शंस में, देखा गया है कि कोई एक्शन नहीं होता. सर, अब आचार संहिता उल्लंघन के केस दर्ज हो जाते हैं, तो सर कोई आपके पास डेटा है कि लास्ट इलेक्शन में आचार संहिता उल्लंघन में क्या लीगल एक्शन लिया गया कैंडिडेट के खिलाफ? और पॉलिटिकल एक छोटा सवाल सर, आपने कहा कि जो कैंडिडेट पैसा खर्च करता है उसका रिकॉर्ड यहां रखा जाएगा, क्या वो रिकॉर्ड आम पब्लिक देख सकती है कि किस कैंडिडेट ने इलेक्शन में और किस पार्टी ने कितना पैसा खर्च किया? या जेंटलमैन इन द सेकंड रो देयर, इन द मिडल ऑफ दैट रो प्लीज. सर, मैं प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज से. सर,